हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित को P बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया गया पॉइंट, उसे P बटा क्यू में आपको व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q जीरो नहीं है। जीरो नहीं होना चाहिए, आपको इस तरीके से एक डिजिट लानी है जो आपकी P बटा क्यू के रूप में हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले रफ वर्क के लिए एक लाइन डाल देंगे, क्योंकि रफ वर्क इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से समझ के काम करेंगे तो क्वेश्चन ऐसे और भी इजी हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। 0.6, सबसे पहले देखिए दशमलव है ना, दशमलव के बाद एक डिजिट है, बार भी एक ही पर है। तो जब बार एक ही पर है और दशमलव के बाद आपकी डिजिट भी एक है, तो आप इसे किससे गुणा करेंगे? 10 से। ठीक है, किससे करेंगे बेटा? 10 से। जब इस तरीके की डिजिट लिखी होती है तो आप उसको करेंगे 10 से गुणा। जब आपके डिजिट में इस तरीके से लिखा होगा तो आप उसे किससे करेंगे? 100 से गुणा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या समझा रही हूँ कि पॉइंट के बाद पता चलता है कि कितनी डिजिट है, किससे गुणा करना है। अभी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक ही पे बार है, तो पहले इस क्वेश्चन को आप एक इक्वेशन बना लेंगे। जैसे कि सबसे पहले एक्स लेंगे 0.6 और उस पर लगा देंगे बार। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन बन गई नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बन गई। और यहां क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। दोनों तरफ गुणा करने का मतलब इधर भी आप करेंगे 10 से गुणा और इधर भी करेंगे। ठीक है, इसे 10 से किया तो 10x आ गया आपका, इसे 10 से किया तो क्या आंसर आएगा? पहले रफ में समझ लें आप इस चीज को। ये देखिए, इस बार का मतलब क्या है? इस बार का मतलब होता है कि आपका ये जो 6 है वो कई बार है। ये कितनी बार है? कई बार है। तो दशमलव को जब 10 से गुणा करना है तो यानी एक ही जीरो है, तो यहां से एक पॉइंट हटके वो यहां चली जाएगी, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। जब 10 से गुणा करना है तो दशमलव एक डिजिट आगे चली गई, 100 से करना होगा तो 2 आगे चली जाएगी, 3 से 1000 से करना होगा तो 3 डिजिट आगे चली जाएगी। सिर्फ इतना ही रफ है, तो 6.6 यानी आप लिखेंगे 6.6 और उसके ऊपर लगा देंगे बार। बार क्यों लगाए? क्योंकि 6 6 कई बार है। अब इन सब 6 को हटाने के लिए आप ऐसे तो लिखेंगे, बार आ गई। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गया। अब 2 को 1 में से घटाने पे क्या लिखेंगे? समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, अब हम इसे घटा करेंगे। तो घटा करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले समीकरण 2 को लिखेंगे, 2 आपकी कितनी है? 10x, ये 6.6 बार। अब पहली को नीचे लिखेंगे, इस पे भी बार है, दोनों को घटा करेंगे। घटा करने पर 10 में से 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1 होता है, 10 में से 1 गए 9x लिखेंगे। आप इसे भी घटा करेंगे, देखिए 6 में से 6 गए तो 0 ही आएगा, दशमलव को दशमलव आएगा, 6 में से 0 गए तो 6 आएगा, पॉइंट के बाद की 0 वैसे ही कैंसिल हो जाती है। इसीलिए आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे? 9x और बटा में करके 6। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद की दशमलव वैसे ही कैंसिल हो जाती है, तो यहां सिर्फ 6 बचा। अब जो आपके डिजिट है 9x बटा में 6x, आप यहीं लिखेंगे, 6 भी यही है, और जो 9 था मल्टीप्लाई होता वो इधर आकर के क्या हो जाता है बेटा? डिवाइड। जो संख्या गुणा होती है वो यहाँ के भाग हो जाती है। अब ये किसी एक टेबल से कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कैसे? जैसे 3 के टेबल में 3 2 6 और 3 3 9, तो जो आपकी x की डिजिट आ गई वो क्या आ गई बेटा? 2/3। यही तो p बटा में क्यू है आपका, यही तो p बटा में क्यू है, हमें यही डिजिट लानी थी p बटा क्यू में, तो हम लेकर के आए। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ, अब इसका करेंगे सेकेंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दशमलव है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो 100 से तो गुणा होगा होगा, 100 से तो होगा होगा, लेकिन बार तो एक ही पे है, इसलिए इसी समीकरण को आपको 10 से भी करना पड़ेगा, क्योंकि बार सिर्फ एक ही पर है। अगर दोनों पे होता तो डायरेक्ट हम 100 से कर सकते थे, लेकिन एक पे बार होने की वजह से 10 से करेंगे, फिर दशमलव के बाद 2 डिजिट होने की वजह से हम इसे 100 से भी करेंगे। क्लियर? चलिए करते हैं। पहले सबसे पहले दोनों तरफ 10 से गुणा कर लेते हैं। जब हम इसे 10 से गुणा करेंगे, रफ वर्क में आपको बता देते हैं किस तरीके से। ये देखिए,
जब आपने x को 10 से किया ये तो 10x हो गया, ठीक है। जब पीछे वाली डिजिट में वो ये कह रहा है कि 4 लिखा है, 7 पे बार है, तो 7 मतलब बहुत बार है ना, ठीक है। मुझे 10 से इसको गुणा करना है, तो 10 का मतलब एक डिजिट आगे पॉइंट चला जाएगा, यहां से हटके वो इनके बीच में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4.7, और 7 कई बार है तो इसलिए इस पे बार बन जाएगा, तो आंसर आपका 10x बटा में 4.7 की बार, ये आपका आंसर है जब मैंने 10 से इसको गुणा किया। यही लिखेंगे, पहले लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे दशमलव, फिर लिखेंगे 7 और फिर लिखेंगे बार, ये 0 हटा देंगे, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता, अब इसको क्या करेंगे 100 से भी गुणा करेंगे, इसी क्वेश्चन को, यही समीकरण को 100 से भी गुणा करेंगे। तो देखो ये डिजिट ऐसे लिखी थी हमारे पास, ध्यान से समझना, यही रबक समझने वाली चीज है। अगर मैंने इसे 100 से किया तो ये तो 100 से हो जाएगा, 100x बन जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, पहले इसको खोल के लिखेंगे, एक्सप्लेन करके लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे और लिखेंगे 7 बार है तो कई बार है, पहले ऐसे लिखो। फिर देखो कि 2.2 0 है ना 100 में, तो ये दशमलव जो है वो 2 डिजिट पीछे जाकर के यहाँ आ जाएगी, यहां से हटी और कहाँ गई, यहां पर आ गई, तो आपकी इक्वेशन तो सिर्फ यही रह जाएगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखो 100x लिखा आपने, 0 का कोई मतलब नहीं है, 4.7 आ गया, यानी 4.7 लिखा, पॉइंट लिखा 7 लिखा, 7 के बाद तो कई बार 7 है ना, इसी पे बस बार लगा देना, यही आपकी नेक्स्ट समीकरण, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, ऊपर वाले को ही किया है हमने, इसी क्वेश्चन को 10 से किया और इसी को 100 से किया। अब 100 का जो मैंने अभी आंसर आपको बताया वो लिखेंगे 100x, और यहां लिखेंगे 4.7 पॉइंट दशमलव पे बार, 4.7.7 पे बार आ गया, ये कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा, समीकरण 2 हो गई। अब दोनों को क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, जब हम घटा करेंगे, लिखेंगे पहले समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब घटा करेंगे, पहले समीकरण 2 को लिखेंगे क्योंकि वो बड़ी है, बड़ी डिजिट ऊपर लिखते हैं और छोटी नीचे लिखते हैं, जब भी वो घटा होगी नहीं तो नहीं हो पाएगी, छोटी को नीचे लिखेंगे, यहां लिखेंगे, सबसे पहले दशमलव लगाते हैं, देखो यहां मैंने दशमलव लगाई थी ना, यहां लगा दिया, ऊपर वाली डिजिट लिखने से पहले दशमलव लगाएंगे, दशमलव के आगे 4 लिखेंगे, दशमलव के पीछे 7 लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव कंपलसरी है, डिजिट को हम ध्यान से देख के लिखेंगे, क्या आगे लिखना दशमलव के और क्या पीछे लिखना, क्लियर। अब इसे घटा कर देंगे, जब 100 में से 10 को करा तो 90 आंसर आ गया आपका, 7 में से 7 को माइनस किया तो 0 आ गया, पॉइंट का पॉइंट यानी दशमलव आ गया, 7 में से 4 को माइनस किया तब आंसर 3 आ गया, और 4 एज इट इज ऐसे। अब पॉइंट के बाद दशमलव 0 वैसे ही कैंसिल हो जाती है, तो वैसे ही चली गई, तो जो बचा वो क्या बचा वो लिखेंगे, 90x बराबर में 43, यही तो बचा ना, पॉइंट के बाद की 0 तो हट गई। अब x भी आपके पास है, 43 भी है, जो 90 से गुणा हो रहा था वो यहां करके भाग हो गया, बस आंसर आपका यही है, आपको यही पी बटा क्यू मिलाना था, आपने सॉल्व कर दिया इजिली। लेकिन अगर ये कैंसिल हो सकती किसी एक टेबल से तो काट भी सकते थे, लेकिन नहीं होंगे तो यही छोड़ देंगे, यही पी बटा क्यू है। क्वेश्चन कितना इजी था, और एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस रब वर्क को थोड़ा समझने की बात है, रब वर्क अच्छे से समझ लेना, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करेंगे। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में एक्स बराबर में 0.001 और बार, बार अब देखो तीनों पर है और दशमलव के बाद भी 3 डिजिट है, तो ये तो बहुत इजी हो गया कि मुझे दोनों तरफ किससे गुणा करनी पड़ेगी 1000 से, क्योंकि बार भी तीनों पर है और दशमलव के, पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि बार एक पर है दशमलव के बाद 2 डिजिट है, नहीं, तीनों पे बार, दशमलव के बाद भी 3 डिजिट, तो ये तो बहुत इजी वर्क हो गया इसका। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी ही जीरो हमें यहां लेनी पड़ती है, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर ठीक है, यहां रफ वर्क में पहले लिख लेंगे समीकरण, बार तीनों पे है ना बेटा, और मुझे दोनों तरफ किससे करना है 1000 से, तो ये तो बन गया 1000x, और इसका मतलब क्या है, पहले इसकी बार हटाएंगे, जितनी डिजिट उस पे बार लगी थी वही डिजिट फिर दोबारा लिखेंगे,
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट हटा के कहां लेके जानी है, तीन डिजिट पीछे लेके जानी है। तो यहां से हटके जब वो यहां आ जाएगी तो इन वाली जीरो की तो वैल्यू खत्म हो गई ना, बस यही रह गया आपका, इसी को आपको नीचे लिखना है। ये जो आपका आंसर आया यही आपकी 1000 से दोनों तरफ को गुणा करने पर मेन आंसर है। तो आप लिखेंगे यहां पर 1000x 1.001। अब ये कई बार है तो इस पे बार भी लगाएंगे, क्योंकि आगे लिखना है ना, वही बार है तो कई बार आएगा 001 001, तो इन्हीं पे आप बार भी लगा देंगे। ये आपकी इक्वेशन कौन सी थी, समीकरण 1 थी। अब जो करिए वो कौन सी है, समीकरण 2 है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, लिखने का तरीका सबका सेम सेम है, बस सिर्फ थोड़ी सी रफ वर्क के कैलकुलेशन समझना और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, बच्चे इजी से कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। चलिए घटा करेंगे, समीकरण 1 को उसके नीचे लिखेंगे क्योंकि वो छोटी है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, और दशमलव से पहले जो 1 0 थी उसको यहां लिखेंगे, दशमलव के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है उसको यहां लिखेंगे। ये एक लिखने का तरीका होता है बच्चों को, दशमलव में घटा जमा और गुणा थोड़ा मुश्किल पड़ती है ना, कुछ बच्चे कर लेते हैं इजी, लेकिन कुछ को दिक्कत होती है, तो उनको इजिली समझाया जा रहा है, अच्छे से समझ रहे हैं। अब 1000x है और यहाँ 1x है, जिसके आगे कुछ नहीं होता, 1 होता है ना बेटा, 1000 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 999 आएगा और यहाँ x आएगा। अब दशमलव के बाद के डिजिट ये भी सेम 001 001, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 00 आ गया सबका आंसर। दशमलव लगाएंगे, 1 में से 0 गया, 1 आंसर आ गया, पॉइंट के बाद की 0 वैसे कैंसिल आउट हो गई, बस आपका यही बचा, इसी को पी बटा के वो में लिखना है। आप लिखेंगे 999 एक्स लिखेंगे और यहाँ सिर्फ 1 लिखेंगे, क्योंकि तो लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद की 0 चली गई। अब जो आपका आंसर है उसी को पी बटा के वो में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स आपके पास है, 1 भी आपके पास है, जो 999 यहाँ एक्स से गुणा हो रहा था वो यहां से हटके यहाँ पे क्या हो गया, भाग हो गया। कितना इजी आंसर है ना, प्रैक्टिस करेंगे तब। ये देखिए आंसर कंप्लीट। इतने क्वेश्चन को पी बटा क्यू में लिखने के लिए सिर्फ हमें इस रफ वर्क को ध्यान देना और कुछ नहीं करना, रफ वर्क को जब आप ठीक समझ जाएंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से बहुत शॉर्ट कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में 0.99999 कितनी बार दे दिया, 5 बार, इसको पी बटा क्यू में लिखना है, व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं कि इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसकी शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना सीखें कि जिसके दशमलव के बाद एक जैसी डिजिट होती है तो किस तरीके से लिखते हैं। पहले तो देखो एक्स लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे दशमलव, यहां 9, कई बार ना लिखकर ऊपर सिर्फ बार लगा देंगे, कई बार ना लिख के ऊपर मैंने छोटी सी बार लगा दी। ये तो क्वेश्चन वही हो गया जो अभी क्वेश्चन नंबर 3rd में किया था, 0.6 का किया था ना बार पे, वही क्वेश्चन है। तो उसी तरीके से इजी तरीके से करेंगे, बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी डिटेल में खोल के लिख सकते हैं। तो आप उसे पहले शॉर्ट ट्रीटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में लेकर आए। अब क्या दशमलव के बाद एक डिजिट है, एक ही पे बार है, तो किससे करेंगे बेटा, अब तो याद भी हो गया होगा, 10 से ही करेंगे। 1 0 लगाने का मतलब क्या बनता है, 10 ही तो बनता है ना। तो रफ वर्क में जब आप इसको इस तरीके से यहां लिखेंगे, बार था दोनों तरफ 10 से करेंगे, तो 10 से तो ये हो गया इजिली, चलो ये तो हो गया। अब इसको करने के लिए 9 को पहले कई बार लिख लेंगे और फिर ये दशमलव यहां से हटके एक डिजिट बाद चली गई, क्योंकि दशमलव 10 में एक ही 0 होती है ना बेटा, तो 1 0 का मतलब है एक डिजिट बाद यहां से हटके यहाँ आ गई। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, बस यही तो बचा, आगे की 0 तो वैसे कैंसिल हो गई, 10x लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 9.9, और ये 9 कई बार है तो इसी पे बार लगा देंगे, बस यही आपका मेन आंसर है, इसी को आपको यहाँ लिखना है। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा किया है, 10 से, ऊपर वाली समीकरण कौन सी है बेटा, 1, दोनों तरफ 10 से की, तो हमारी नई समीकरण जो अभी हमने अभी लिखी है वो बन गई 10x, और इधर बन गई 9.9 पे 12, क्लियर। अब दोनों को घटा कर देंगे, ये समीकरण नंबर 2 आ गई आपकी, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, सब में सेम सेम ही लिख रहे हैं ना, वही करना है बस, पहले 2 को लिखेंगे क्योंकि ये बड़ी डिजिट है आपकी,
इसको लिखेंगे छोटी डिजिट को नीचे लिखेंगे 1x को। अब इसे घटा कर देंगे, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9x आएगा। अब ये 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0 आ गया, दशमलव का दशमलव, 9 में से 0 गया 9 आ गया, दशमलव की 0 वैसे कैंसिल हो गई, सिर्फ आपकी ये डिजिट बची, इसी को पी बटा क्यू में लिखना है आपको, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे 9x बटा में 9। जब इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे तो जो 9 से गुणा हो रहा है वो यहाँ के इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ऐसे। अब इसे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। कितना इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट जैसा सेम, बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ थोड़ा सा विस्तार में खोल के लिख दिया। 9 को 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार भी लिख सकता है, बस उसको इजी सा बना के फिर वही क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का किया है। बहुत अच्छे से समझ आया बच्चों को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।